इसमें हमें सभी सोसाइटी के सभी व्यक्तियों को अपना अपना योगदान देना चाहिए। और मैं कई बातें कई समय पर अलग जगह कहती रहती हूँ कि हर इंसान को अपने सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए, अपना थोड़ा बहुत समय जो है वो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए निकालना चाहिए, ताकि ये ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी स्कीमें बताकर इसका बेनिफिट उनको पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो काम आप करते हैं, जो भी काम करते हैं आप, और जो व्यक्ति आपके पास कुछ पूछने के लिए आ गया, आप उसको सही गाइड करें, ये भी एक समाज सेवा है। कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर अपने आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ शेयर करें, ये एक समाज सेवा है। और आज जिस हिसाब से ये सिस्टम चलता आ रहा है कि महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, मैं मेनली फोकस उस पर करूँगी कि क्योंकि आज गर्ल चाइल्ड डे भी है, तो उसमें ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं का हम लोग एजुकेशन में कर रहे हैं, उसके लिए कानून बना रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए कानून हो, और कानून है, लेकिन कानून होने के बावजूद भी अत्याचार कम नहीं हुआ, जी अत्याचार आज भी स्टिल चल रहे हैं, जबकि उनको पता है कानून इतने सख्त हैं कि उसमें सजा अच्छी होगी, बट उसके बावजूद भी नहीं। आज जरूरत है लोगों की अपनी सोच बदलने की, अपना चरित्र ऊपर करने की, क्योंकि लोगों की सोच जब झुकती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, तो ये अत्याचार, चाहे वो जंगल राज टाइप का, वो बनता जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करो और उसकी प्रोटेक्शन करो। ये जरूरी नहीं है कि महिला सिर्फ मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, नो। अगर मेरी बहन है तो दूसरे की भी बहन है। अगर मैं दूसरे की बहन की, माँ की, भाभी की, पत्नी की रक्षा करूँगा या करूँगी, तो मैं कल को मेरे भी परिवार के लोग, दूसरे लोग उसकी रक्षा करेंगे। ये भावनाएं हमारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पुराने लोग होते थे, जो ये सिस्टम आज चल पड़ा है अत्याचार का, उस टाइम ये कम होता था, हम लोगों के सुनने में नहीं आता था। उसका रीज़न क्या था? उस टाइम हम लोग एक सोसाइटी के बीच में बंद कर रहते थे, एक कम्युनिटी के होते थे, लेकिन अब शहर वगैरह में वो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम चाहें तो वो चीज़ें हो सकती है। जो हमारा गली मोहल्ला है वही हमारे रिश्तेदार हैं, वही हमारे भाई बहन हैं, ठीक है? तो हमें उनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। आज हम कहते हैं कि ये हमारा चाचा अंकल है, पहले हम कहते थे बेटा ये तेरा चाचा है, चाहे वो गली का ही क्यों ना हो, जी बिल्कुल बेटा ये तेरा मामा है, चाहे वो गली का ही क्यों ना हो। उससे क्या होता था कि वो ऑटोमेटिकली एक सोशल सिक्योरिटी का दायरा बन जाता था, बिल्कुल एक ऑटोमेटिकली बनता था दायरा, फिर ये चाचा है तो कल को कहीं गया तो नहीं साड़ी कुड़ी है, नहीं साड़ी बहू है, नहीं साड़ी गली की कुड़ी है, साड़ी भैन लग दी है। अब मतलब कि अपने परिवार की बहन बेटी के अलावा दूसरे की लड़की को हम बहन ही नहीं समझते, रिस्पेक्ट की जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसीलिए हमने एक समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से हमने 2 साल पहले 2013 में हमने एक कंपेन शुरू की, रिस्पेक्ट वुमन प्रोटेक्ट वुमन। मेरे ये इस अभियान का मतलब ये नहीं कि हम लड़कियों को कमजोर समझते, नो, मैं नहीं समझती महिलाएं कमजोर हैं। महिलाएं करने पर आ जाए तो कुछ असंभव नहीं है उनके लिए, क्योंकि भगवान ने उसको बहुत हिम्मत, हौसला, ज्ञान दिया है, हिम्मत है उसके अंदर, पर उस पर इतना अत्याचार ना करें कि वो तुम्हारा विद्रोह कर दे। क्योंकि महिला चाहे तो घर बना सकती है, महिला चाहे तो घर उजाड़ सकती हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको नोट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक आदर सत्कार चाहिए। क्योंकि अगर उसको आदर सत्कार मिलेगा तो वो घर का माहौल तो ठीक होगा ही होगा, आस पड़ोस का माहौल भी ठीक होगा। तो हम हर आदमी को, हर औरत को चाहिए कि हम इज्जत मान करें एक दूसरे का। इसके लिए हमने कंपेन चलाई है जिसके तहत हम लोग लोगों को यही शपथ दिलाते हैं कि मैं अपने सामने किसी को, मैं और मेरे सामने अगर किसी का अत्याचार होगा तो उसका पूरा विरोध करूंगा, और उसके बाद जो मेरे से संभव हो सकता है मैं उसकी मदद करूंगी, ठीक है? तो ये इस तरह से हम लोग उसकी कंपेन करी हुई है। उसके तहत फिर हम लोग लोगों को कहते हैं कि ये एक बिल्कुल बिना पैसों की स्कीम है, पर इसमें हमें उन लोगों की मदद चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इसमें मदद करना चाहते हैं। तो 2-3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक एडवोकेट जुड़ा है, उसने भी हमें ये कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, आपको अगर एडवोकेट के माध्यम से कोई जरूर हेल्प चाहिए तो आप मुझे भेजें, मेरे को बोलो, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करूँगा। हमने आजमाने के लिए उसको किया भी
कि क्यों ना एक केस इसको देखते देखे देखते हैं। एक लड़की थी, उसका मर्डर परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने उसको फांसी पे लगा दिया था। तो उसके पेरेंट्स गरीब होने की वजह से लड़की के, तो उसकी कंप्लेंट कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो वो जब उनको पता लगा हमारे बारे में, वो हमारे पास आए, हमने उसकी कंप्लेंट ली और उसके बाद उसका 5 पैसे भी नहीं हमने लगने दिए, उसका केस हमने करवाया। केस करने के बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कुछ काम हुआ। उस लड़के को 10 साल की सजा हुई, ये सिर्फ 6 महीने के अंदर हुआ। यानी तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे केसेस में कितना समय लग जाता है और लोगों को फैसला आने में, है ना। तो ये इसमें हमने फटाफट ये करवाया। एक हमारा ये भी हो गया कि वाकई अगर कोई हमारे पास आ रहा है मदद करने के लिए, वो कितना सीरियस हो के आता है। दूसरा एग्जांपल, अभी हमने इसका एक बोर्ड का, बोर्ड में हमने रिस्पेक्ट वुमन प्रोटेक्ट वुमन का, हमने कहा एक लोगो डिज़ाइन करते हैं। वो लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमने किसी से कहा कि आपका ये प्रोफेशन है, आप हमारे लिए ये डिज़ाइन करके दीजिए। और उन्होंने भी बिल्कुल 5 पैसे भी नहीं लिए और उन्होंने हमारे लिए लोगो डिज़ाइन करके दिया। तो ऐसे लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग इसको, इस कंपेन को जुड़ें, हमारे साथ जुड़े। हमारा फेसबुक पे भी इसका है, रिस्पेक्ट वुमन प्रोटेक्ट वुमन का, उसको भी लाइक करें, उसको पसंद करें, उसमें अपने बारे में बताएं और उसको प्रमोट करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज ज़रूरत है। कानून तो है, कानून के साथ साथ उनकी इज्जत मान करना।